आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिला स्पेशल टीम एवं डग पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 किलो 345 ग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल तथा दो मोबाइल को जब्त कर बड़ी सफलता हासिल की। जब्त शुदा गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 6,15,000 रुपये बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि डग पुलिस टीम व जिला स्पेशल टीम द्वारा थानाधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में 23 अक्टूबर की देर रात्रि को गश्त के दौरान सामुखाल के पास डोबड़ा रोड से दो अभियुक्त सलीम कुरैशी व शंभूलाल बारेट को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त मध्य प्रदेश के गाँव आम्बा थाना बड़ोद जिला आगर के निवासी है। उक्त मामले में दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी गंगाधार को सौंपा। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। नाकाबंदी के दौरान फैजान खान मुसलमान निवासी पटारी मोला अड्डे के कब्जे से 10 ग्राम समेत जब्त की जाकर इसमें मोटरसाइकिल को गिरफ्तार किया है। एनडीपी से प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। इसी क्रम में रात्रि गश्त के दौरान सलीम कुरैशी व समूह बारेट के कब्जे से 12 किलो अवैध गांजा में मोटरसाइकिल जब्त किया गया, जिसके संबंध में दोनों को गिरफ्तार किया जाकर एनडीपी से प्रकरण दर्ज किया गया। गांजे की कार्रवाई में सर डीएसटी टीम भी थी। हाँ, डीएसटी का भी इसमें सहयोग रहा।